नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब कुल मरीजों की संख्या 41,383 हो गई है, जिनमें 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 25,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 14,000 से अधिक है। बिहार इस वक्त डबल मुसीबत से जूझ रहा है। एक तरफ बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ महामारी की मार। ऊपर से प्रशासन की नाकामी, सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल। गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गई है। एक महीने पहले ही सतरघाट महासेतु का उद्घाटन हुआ था और 264 करोड़ की लागत पानी में बह गई। 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुल का उद्घाटन किया था। पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया है और लोगों के आने जाने का लिंक समाप्त हो गया है। चीन से चल रहे तनाव के बीच ताइवान ने सैन्य युद्धाभ्यास किया। ताइवान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा है कि वे चीन को बताना चाहते हैं कि वे कमजोर नहीं हैं और अपनी जमीन और चीन के घुसपैठ को रोकने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने कोई गैरबाजी हरकत की है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। वो यहाँ 4 दिन तक रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्र 18 जुलाई को अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे। नृपेंद्र मिश्र के साथ बड़े इंजीनियर का एक दल भी अयोध्या पहुंचा है, जो मंदिर निर्माण की बारीकियों को देखेगा। नृपेंद्र मिश्र की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए 4 यात्री लापता हो गए हैं। यात्री केदारनाथ धाम से वासुकी ताल त्रियोगी नारायण पैदल ट्रैक पर गए थे। लापता हुए यात्रियों का पता लगाने के लिए 3 टीमें जंगल में सर्च अभियान चला रही हैं। यात्रियों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर से भी उनकी खोजबीन की जा रही है। बारिश और घने कोहरे के बीच सर्च ऑपरेशन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। अभी तक यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस, SDRF और स्थानीय गाइड की 3 टीमें 2 दिनों से जंगल में खोजबीन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने बीजेपी नेता मिराजुद्दीन मल्ला को छुड़ा लिया है। मल्ला स्थानीय नेता है, जिन्हें पुलिस ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आजाद कराया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की है। मिराजुद्दीन मल्ला बारामूला निगम कमेटी वाटर ग्राम के उपाध्यक्ष हैं और इलाके के स्थानीय बीजेपी नेता भी हैं। आरोप के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया था। अब उन्हें पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने छुड़ा लिया है। मल्ला को रेस्क्यू कराने से पहले पुलिस ने लश्कर के सैपोर कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर के परिवार को हिरासत में ले लिया। और अब बात करते हैं पंजाब के संगरूर जिले की, जहां महामारी के आज 9 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 683 पर पहुंच गई है, जबकि 546 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केस 116 हैं, जबकि 21 लोग इस महामारी से जिले में अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमण अब हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 24 घंटे में दुनिया भर में संक्रमण के 2,34,000 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 1,36,00,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 5,800 लोगों की मौत हो गई और कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 5,86,000 पर पहुंच गया है। अमेरिका में संक्रमण के करीब 71,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि करीब 1,000 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। इसी के साथ अमेरिका में कुल मामले बढ़कर 36,00,000 का आंकड़ा पार कर गए हैं, जबकि संक्रमण से कुल 1,40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज कराने में जुटा हुआ है। संक्रमित दोनों जवान PSC के हैं, जिनकी ड्यूटी आउटर सर्कल में लगती है। ये जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। गौरतलब है कि इससे पहले UP सरकार के 5 मंत्री और उनके परिवार वाले भी संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।